हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 मई 2024 और आज की 13 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। और ये पहली अपडेट, हिमाचल में प्रचंड गर्मी का 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। ऊना बानाहर में स्कूल बंद। लू के ऑरेंज अलर्ट के बीच ऊना का पारा 2013 के बाद 45 डिग्री पहुँचा। राहत, 30 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर गर्मी से निजात मिलने के हैं आसार। 30.4 पहुंचा शिमला में अभी अधिकतम पारा। सिरमौर के 3 उपमंडलों के स्कूलों में 2 जून तक छुट्टी। प्रदेश में सामान्य रहेगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट, ऊना के भी सभी स्कूल बंद 29 और 31 मई तक। और इसके अलावा सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कड़छम बांगटू से हिमाचल को 18 के बजाय 13% ही मिलेगी मुफ्त बिजली। नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्पीति के पर्यटन को लगेंगे पंख, मनाली के लिए सफर होगा सुगम। कुंजुम दर्रा बहाल, 6 माह बाद केलांग मनाली से जुड़ी स्पीति घाटी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए तैयार किए प्रोस्पेक्टस, अब शिक्षा विभाग के आदेशों का इंतजार। 3 जून से पोर्टल खोलने की है तैयारी। कॉलेज से गठित कर ली गई हैं कक्षाओं की कमेटियां। कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातक डिग्री कोर्स के पहले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने जारी अकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कॉलेजों ने 3 जून से पोर्टल खोलने की तैयारी लगभग पूरी कर दी है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश की 350 पेयजल योजनाएं सूखे की चपेट में। विभाग ने तैयार की रिपोर्ट। टैंकरों के लिए जिला प्रशासन को लिखा, 165 योजनाओं में 80% तक सूख गया पानी। 102 योजनाएं शिमला और सोलन में प्रभावित, 5वें-7वें दिन आपूर्ति। अधिकारी चुनाव ड्यूटी में, कैसे मिलेगी राहत। सतलुज का जल स्तर बढ़ा, लोहरी का निर्माण ठप। नेक्स्ट अपडेट ये रही, SPU मंडी सीडेक के साथ करेगा शोध कार्य। तो विश्वविद्यालय के BC ने सीडेक मोहाली का किया दौरा। प्रवेश परीक्षा परियोजना पर चर्चा कर सुधार के लिए दिए सुझाव। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इग्नू कौशल विकास कोर्स जुलाई से शुरू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अब छात्रों को रोजगार से जुड़ने के लिए कौशल विकास कोर्स भी करवाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत जुलाई सत्र के फेज से जो है फैशन डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, SEE लर्निंग से स्कूलों के बच्चे होंगे तनाव मुक्त। पिरामल फाउंडेशन अध्यापकों को देगी प्रशिक्षण। तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करके अध्यापक करेंगे काउंसलिंग। नेक्स्ट अपडेट ये रही, SPU PhD पहले सेमेस्टर की नियमित परीक्षाएं 8 जुलाई से 10 जून तक बिना विलंब शुल्क भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। तो ये SPU मंडी की बात हो रही है। नेक्स्ट अपडेट, साई में जून में भरेंगे खाली सीटें। तो नए सत्र में वॉलीबॉल प्रशिक्षण के लिए 14 और कबड्डी में 4 सीटें बढ़ाई। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तकनीक शिक्षा लीड की उत्तर कुंजी की जारी। अभ्यर्थी 1 जून तक आंसर की को लेकर दर्ज करा सकते हैं आपत्तियाँ। नेक्स्ट अपडेट ये रही, टैट के लिए अपडेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो टैट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन 3 तक कर सकते हो, यानी कि 3 जून, उसके बाद 4 से 6 जून तक आप जो है उसमें करेक्शन कर पाओगे। तो सर्वर डाउन होने के कारण जो है समस्या आ रही थी, तो उसके कारण अभ्यर्थियों को जो है राहत प्रदान की गई है HP बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो HP टैट अब आप 3 जून तक भर पाओगे। इसके अलावा SOS परीक्षा के लिए आवेदन 15 तक, 8वीं, 10वीं, 12वीं की परीक्षा के लिए किए जा सकेंगे आवेदन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU स्नातकोत्तर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, 12 जून से शुरू। विश्वविद्यालय के अलावा जिलों के परीक्षा केंद्रों में जुलाई के अंत तक होंगे पेपर। इस बार समय पर निकालेंगे रिजल्ट। तो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि इस बार शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए एकेडमिक परीक्षा शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षाओं का संचालन जो है किया जा रहा है। इसमें छात्रों के समय से परीक्षा परिणाम जारी कर किए जा सकेंगे। और PG डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल विश्वविद्यालय ने पहले ही जारी कर दिया है। वे परीक्षाएँ 5 जून से शुरू होंगी। 31,000 विद्यार्थी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की देंगे परीक्षाएँ, इनके लिए होगी परीक्षा। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा का निकला परिणाम, तो प्रवेश परीक्षा का भी रिजल्ट यहाँ पर निकल रहा है। विश्वविद्यालय में 4 विषयों की हुई प्रवेश परीक्षा, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।